Hey buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video. तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जॉन सीना के बाद अब किस एक लेजेंड ने कहा है अपनी रिटर्न को लेकर एक बड़ी बात. क्या WWE और NJPW आपको देखने को मिलेंगे एक साथ? क्या ये दोनों कोलैब करने वाले हैं प्रमोशंस? इस साल समर स्लैम को होस्ट कौन करने वाला है उनका नाम भी आ रहा है सामने. इसके अलावा भाई पेज आ चुके हैं एक बार फिर से पंगे के अंदर किसी. रोमन रेंस और हेल इन अ सेल को लेकर है एक मेजर अपडेट. इसके अलावा और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी दिए हैं, तो जाकर आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो. बाकी अगर आपको WWE का कुछ फनी कॉन्टेंट या फिर कुछ अलग हटके कंटेंट अगर आपको देखना पसंद है तो फिर लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी जहां पर कुछ वैसा ही कंटेंट था, तो उसको जाकर आप लोग देख सकते हो. रोमन रेंस के फैन हो तो भाई फिर तो आपको बिल्कुल ही देखनी चाहिए. इस वाली वीडियो के ऊपर आते हैं और स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे, तो फिर जल्दी से बैठो गाड़ी पर और स्ट्रेट अवे हम चलते हैं हमारी पहली अपडेट के ऊपर. सबसे पहले बात करते हैं समर स्लैम की. अब गाइस यहां पर समर स्लैम की जो इवेंट है WWE आपको बताएगी ऑलरेडी बहुत बड़ी बनाना चाहती है, और यहां पर समर स्लैम को जो होस्ट इस साल करने वाला है रिपोर्टेडली वो करने वाली है कार्डी बी. कार्डी बी का नाम यहां पर सामने आ रहा है कि वो इस साल का समर स्लैम होस्ट कर सकती है. अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता है कार्डी बी कौन है तो मैं शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई शी इज एन अमेरिकन रैपर और भाई अच्छी खासी सेलिब्रिटी है, तो लेट्स सी भाई किस तरीके से ये चीज होती है. अब गाइस आपको बताया कि भाई सेथ रॉलिंस का बर्थडे था कल, तो उनको विशेष वगैरह जो है वो सब तरफ से आई. एक ऐसी विश है जो कि मैं हाईलाइट आपको करना चाहता हूँ यहाँ पर, और वो है कि भाई किसी बंदे ने उनको कहा है कि हैप्पी बर्थडे डैड. वो कौन है वो मैं आपको बता देता हूँ. एक्चुअली में एक सुपरस्टार है NXT UK के अंदर जिनका नाम है नेथन फ्रेजर. तो इन्होंने सेथ रॉलिंस को विश करते हुए भाई कैप्शन के अंदर लिखा है हैप्पी बर्थडे डैड. अब इससे पहले हमारे बडीज इस बारे में कुछ उल्टा सोचे तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि गाइज एक्चुअली में ये वो रेसलर है जिनको सेथ रॉलिंस ने ट्रेन वगैरह किया है. तो ये आज प्रोफेशनल रेसलर जो हैं वो सेथ रॉलिंस की वजह से हैं. ट्रेनी वगैरह सब जो थे वो सेथ रॉलिंस थे इनके, और इसीलिए भाई ये उनको ये चीज बुला रहे हैं, डैड बुला रहे हैं. ऑब्वियसली बहुत बड़ा वर्ड है, किसी को अगर आप डैड बुलाते हो तो मतलब उस बंदे के लिए आपकी जो रेस्पेक्ट होती है दिल में वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होती है. ज्यादा कुछ लिखा नहीं उन्होंने कैप्शन में, सिर्फ हैप्पी बर्थडे डैड लिखा है, बट सिर्फ वो डैड वर्ड का मतलब ही इतना बड़ा है कि आई थिंक और किसी शब्द की वहां पर जरूरत पड़ी नहीं. बात करते हैं गाइस पॉसिबली NJPW और WWE के कोलैब के बारे में. तो गाइस यहां पर रूमर्स ही आ रही थी डेव मेल्सर की तरफ से कि WWE के जो निक खान जो कि WWE के प्रेसिडेंट है उनकी बात चल रही है NJPW के साथ, और वो यहां पर प्लान कर रहे हैं कि WWE और NJPW के बीच में एक कोलैब देखने को मिल सकता है. मतलब कुछ आपको WWE के सुपरस्टार NJPW के अंदर जाते हुए नजर आ सकते हैं, और सेम चीज वहां पर NJPW के सुपरस्टार भी WWE के अंदर आकर कर सकते हैं. तो ये रूमर्स जो है वो कुछ दिनों से चल रही थी. अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा. हालांकि मेरे को पर्सनली ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है जब तक विंस मैकमैन है. बाकी रिपोर्ट्स के हिसाब से निक खान वो बंदे हैं जो कि ये चीजें कर रहे हैं, जो ये चीजें प्लान कर रहे हैं. अब लेट्स सी ये चीज होती है या नहीं होती है, बट एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर चीजें जो है वो सामने आ रही है. मतलब सुपरस्टार्स जो है वो ट्वीट कर रहे हैं कुछ, मतलब इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोल रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर. तो यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर ने भी एक काफी कमाल का ट्वीट यहाँ पर किया है जहां पर उन्होंने अपने रॉ के अंदर होने वाले मैच को हाइप भी किया है. मतलब जो उनका मैच कोफी किंगस्टन के साथ होने वाला है उस मैच को उन्होंने हाइप भी करा है, और उन्होंने कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंगली भी यहाँ पर दिखा दिया है. अब यहाँ पर अगर आप उनका ये ट्वीट देखोगे तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ऑन मंडे कोफी विल एक्सेप्ट हिज डोम एट माय हैंड. और अगर आप इन पूरे जो भी इन्होंने लिखा है इनके अगर आप इनिशियल वर्ड पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है OKADA. दैट मींस ये वो सुपरस्टार है जो कि NJPW के अंदर काम करते हैं. ही इज अ वेरी गुड रेसलर. और यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर ने हिंट किया है कि भाई अगर कभी ऐसा इन फ्यूचर होता है तो वो OKADA के साथ मैच करना चाहते हैं वन ऑन वन. ऑब्वियसली एक ड्रीम मैच हो सकता है, तो लेट्स सी हमें कभी इन फ्यूचर ये मैच देखने को मिल सकता है या फिर नहीं. अब चलते हैं अपनी अगली अपडेट के ऊपर. यहाँ पर अब वेलवेटीन ड्रीम को WWE ने रिलीज कर दिया, और उनके रिलीज होने के बाद से काफी ज्यादा स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि उनको इस वजह से रिलीज किया है उस वजह से रिलीज किया है. पहले बातें चल रही थी कि जो उनके ऊपर पहले एलिगेशन वगैरह लगे थे, अगर आपको याद होगा जो उनका ट्वीट वगैरह जो भी करा था उन्होंने उसके ऊपर उनको काफी एलिगेशन उनके ऊपर लगे थे, उनके स्क्रीन शॉट्स वगैरह शेयर किए गए थे, और उस वजह से उनका जो पुश था वो कैंसिल कर दिया गया था कुछ महीने पहले. उनको निकाला नहीं था बट उनका पुश जो था वो कैंसिल कर दिया था WWE ने. पर यहां पर भी ये बात आ रही थी सामने की शायद उसी वजह से उनको रिलीज किया होगा, बट यहां पर डेव मेल्सर के अकॉर्डिंग उस वजह से उनको रिलीज नहीं किया गया है, बल्कि एक्चुअली एक WWE के टॉप स्टार ने उनके बारे में बैक स्टेज में जो है वो कुछ चीजें बताई है, यानी कि कंप्लेंट वगैरह उनकी करी है मैनेजमेंट से, और उस कंप्लेंट के बाद उनको जो है वो निकाला गया है WWE से. अब वो टॉप सुपरस्टार कौन है जिसने कंप्लेंट करी है उनका नाम डिस्क्लोज यहाँ पर नहीं किया गया है. क्या वो कंप्लेंट है आई डोंट नो, बट कुछ मेजर यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ होगा. मे बी कोई फीमेल सुपरस्टार हो या फिर कोई मेल भी हो सकता है जिसने यहाँ पर ये चीज कंप्लेंट करी हो, और उसके बाद जो है वो वेलवेटीन ड्रीम को निकाल दिया है WWE ने. तो आई डोंट नो उनका फ्यूचर क्या होने वाला है यहाँ पर, क्या WWE के अंदर वो देखने को मिलेंगे. फ्यूचर उनका बहुत ज्यादा ब्राइट था, मतलब मेन स्ट्रीम काइंड ऑफ वो रेसलर थे, बट आई थिंक इन चीजों की वजह से अब उनके लिए चीजें जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है. बात करते हैं गाइस पेज के बारे में. तो गाइस पेज को यहाँ पर ट्विच ने अपने प्लेटफॉर्म से कर दिया है बैन, और उनको बैन करने का जो रीजन था वो ये था गाइस कि उन्होंने कोई मूवी वगैरह प्ले कर दी थी अपने ट्विच अकाउंट के अंदर लाइव स्ट्रीम के दौरान, जो कि अलाउड नहीं है. ऐसा पहली बार उन्होंने नहीं किया है, पहले भी इससे किया था उन्होंने. उस वक्त उनका चैनल डिलीट वगैरह या कोई वार्निंग वगैरह उनके ऊपर गई थी या नहीं गई थी ये तो उन्हीं को पता
आता होगा, बट उसके बाद अब दोबारा उन्होंने लाइव स्ट्रीम के दौरान वॉच अलॉन्ग के अंदर एक मूवी यहाँ पर प्ले कर दी, जिसके बाद भाई ट्विच ने उनका जो अकाउंट है वो कर दिया है बैन। अब ये बैन 30 दिन वाला है या फिर लाइफ टाइम वाला है ये तो यहाँ पर क्लियर नहीं है, बट मेरे हिसाब से शायद ये 30 दिन वाला बैन है। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से कोई ट्वीट या फिर इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट वगैरह अभी तक शेयर नहीं की गई है, तो लेट्स सी आगे क्या होता है इस मैटर के ऊपर। आगे चलते हैं अगली अपडेट के ऊपर। अगली जो अपडेट है ये एक रिटायर्ड WWE सुपरस्टार को लेकर। अब गाइस यहाँ पर जॉन सीना का, जैसे कि आपको पता है कि रूमर्स आ रही है कि वो SummerSlam में वापस आने वाले हैं, रोमन रेंस के साथ उनको मेन इवेंट मिलने वाली है। तो इन रूमर्स के बाद गाइस एक और ऐसे लेजेंड है, एक और ऐसे रिटायर्ड WWE सुपरस्टार है जिन्होंने यहाँ पर अपने रिटर्न को यहाँ पर पॉसिबली हिंट किया है। मतलब हिंट किया गया, मतलब उन्होंने साफ यहाँ पर बोल दिया और ये जो सुपरस्टार है ये कोई और नहीं है, ये है कर्ट एंगल। कर्ट एंगल ने यहाँ पर ट्विटर पर एक ट्वीट किया है जहाँ पर उन्होंने लिखा है कि भाई उनको एक रूमर सुनाई दे रही है आजकल जो कि जॉन सीना के रिटर्न को लेकर है, और उनका यहाँ पर लिखना है कि भाई जॉन सीना अगर वापस आते हैं तो वो भी अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोच सकते हैं, अपने रिटायरमेंट मैच के बारे में सोच सकते हैं, मे बी अगेंस्ट जॉन सीना। अब ये जो उनका कहना है गाइस, ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऑफिशियल है या फिर ये वो ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो एक अपनी इच्छा है जो कि जाहिर यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि मैं बिल्कुल चाहूंगा कि भाई एक बार फिर से जॉन सीना और कर्ट एंगल आमने सामने हो। मतलब आपको बताया भाई इनकी जो हिस्ट्री है, जॉन सीना का डेब्यू वगैरह, एक बार फिर से अगर दोनों आमने सामने आ जाए तो मतलब यार इंटरेस्टिंग तो वो लगेगा देखने में। चलते हमारी आखिरी अपडेट के ऊपर, और आखिरी जो अपडेट आ रही है गाइस ये आ रही है रोमन रेंस के हेल इन ए सेल के प्लान्स को लेकर। अब गाइस काफी समय से ये बातें आ रही है कि भाई रोमन रेंस किसको फेस करने वाले हैं हेल इन ए सेल के अंदर, क्या वो जिमी यूसो को फेस करने वाले हैं, क्या वो सिजारो को फेस करने वाले हैं। मतलब ये सारी जो रूमर्स और स्पेकुलेशन है ये काफी समय से लगाई जा रही थी, बट गाइस अकॉर्डिंग टू डे मेल्सर ये जो मैच है जिमी यूसो वर्सेस रोमन रेंस एट हेल इन ए सेल ये एक्चुअली WWE ने अभी तक प्लान किया ही नहीं है। रूमर्स भले ही आ रही होगी इस मैच की, बट WWE के हिसाब से WWE ने ये मैच अभी तक शेड्यूल नहीं किया है, और हो ये भी सकता है गाइस कि हेल इन ए सेल के अंदर आपको रोमन रेंस कंपीट करते हुए ही नजर ना आए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिकॉज जिमी यूसो और जे यूसो जो है वो मे भी हो सकता है कि हेल इन ए सेल के अंदर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जाए, रोमन रेंस आपको हेल इन ए सेल के अंदर देखने को ही ना मिले, या फिर रिंग साइड वो हो सकते हैं उस मैच के लिए, बट स्टिल उनका जो वन ऑन वन मैच है या फिर उनकी जो चैंपियनशिप डिफेंड है वो पॉसिबली आपको शायद देखने को ही ना मिले हेल इन ए सेल पे पर व्यू के अंदर। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और भाई आई बटन में मैंने वीडियो जो दिया है रोमन रेंस के इंटरव्यू की उसको जाकर आप देख सकते हो, बिकॉज जितने ज्यादा उसमें लाइक्स होंगे उतनी जल्दी मैं पार्ट टू लेकर आऊंगा उसका। बाकी यार इसी तरीके की WWE की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, मिलेंगे बहुत जल्दी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन गाइस अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, एंड जस्ट कीप फाइटिंग फॉर योर ड्रीम्स।